डिजिटल गेम्स में AI को यूज करना फिर भी समझ आता है। सवाल तो ये उठता है, क्या हमारी बड़ी गेम्स जो आउटडोर गेम्स हैं, उसमें हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं? तो आज उसी को एक्सप्लोर करेंगे। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारी नई सीरीज का, जिसका नाम है एस द स्पोर्ट। जैसे मैं बोलती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पोर्ट्स के अंदर, हमारे दिमाग में कितनी सारी तस्वीरें आती हैं। क्या एक ऐसा टाइम आएगा कि ना हमारे दिमाग पर हमारी बॉडीज भी रोबोट्स के साथ कम्पीट करेंगी? या सिर्फ इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच, ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये चीज को भूल जाएं कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं। एक बात तो तय है, खेल और इंसान, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोविड सिचुएशन ने भी हमें सिखा दिया कि आप गेम से तो सपोर्टर्स को हटा सकते हो, लेकिन सपोर्टर्स जो हैं उनके अंदर से गेम को नहीं हटा सकते। चाहे क्रिकेट है या WWE, हम सारे वर्चुअली प्रेजेंट थे अपने फेवरेट खिलाड़ी को बूस्ट करने के लिए, उनका मोराल जो है उसको और करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आज तक ऐसी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पोर्ट्स में यूज हो सकता है, या फिर कैसे यूज हो रहा है, उसको समझते हैं। तो तीन तरीकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पोर्ट्स में या फिर खेल में यूज हो सकता है। पहला, मीडिया और फैन एक्सपीरियंस के लिए। दूसरा, खेल से पहले। और तीसरा, खेल के दौरान। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया और फैन एक्सपीरियंस के बारे में। चलिए साथ में एक मैच देखते हैं। अब इमेजिन करो कि आप घर पे बहुत आराम से अपना फेवरेट प्लेयर को देख रहे हो, और एकदम से आपको एक रियलाइजेशन होता है कि आपको एक पर्टिकुलर गेम की इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस टाइम पे रियल टाइम में क्या हो रहा है। आपको पता है आपके यहाँ पे रेस्क्यू कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट बॉट्स और स्मार्ट असिस्टेंट्स। वो सब कुछ कवर करेंगे, चाहे टिकट्स, पार्किंग, एरेना के लॉजिस्टिक्स हो, या कोई भी ऐसी सिमिलर इंफॉर्मेशन। ये आज तक और भी काफी टीम्स में यूज हो रहा है, जिनके एग्जाम्पल्स हैं NBA और NHL। और तो और कुछ टूर्नामेंट्स में ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज हो रहा है इन चैटबॉट्स के अंदर, जिससे हम फैंस, प्लेयर्स, स्टैटिस्टिक्स और हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल टाइम में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाऊं, तो जो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको फटाफट से प्रेस करें। एक और टेक्निक है अपने फैन एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की, वो है वीडियो हाइलाइट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैच के अंदर ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स होते हैं जो हम लोग को एज हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं, है ना? क्या आप लोग को पता है 2018 यानी 2018 में विंबलडन ने एक्चुअली IBM वॉटसन का यूज़ किया था, जो एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर है, जो सिलेक्ट करता था और हाइलाइट्स दिखाता था। किसके बेसिस पे? हमारे क्राउड के रिएक्शन के ऊपर, जैसे वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस हिसाब से वो उसी टाइम के मोमेंट्स या हाइलाइट्स दिखाता था। अब जो ये टेक्निक थी, ये एक्चुअली में फेयर भी थी और तेज़ भी थी, यानी फास्ट भी थी, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर फोकस ना करके उस चीज़ को दिखाती थी जिससे हम क्राउड जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हम लोग को जिसको देखने से मज़ा आ रहा है। इसके अलावा एक तीसरी एप्लीकेशन भी है, जिसका नाम है ऑटोमेटेड जर्नलिज्म। अब इमेजिन करो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो गेम में जो भी कुछ हो रहा है उस सबको ट्रांसलेट करके एक समरी बना रहा है, एक रिपोर्ट बना रहा है, जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। इस कैपेबिलिटी को भी काफ़ी सारे वर्ल्ड के या दुनिया के सारे मीडिया हाउसेस जो हैं उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसको यूज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि मीडिया और फैन एक्सपीरियंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों में यूज़ हो सकता है। सबसे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स या स्मार्ट असिस्टेंट्स। दूसरा, वीडियो के हाइलाइट्स। और तीसरा, जर्नलिज्म जो कि ऑटोमेटेड है। तो अब हम सेकंड कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे, जो है खेल से पहले हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है ट्रेनिंग और कोचिंग में। क्या आप लोगों ने कभी वो एप्स यूज किए हैं जैसे फिटनेस की एप्स होती हैं? फॉर एग्जांपल, एक ऐप है जिसका नाम है हाउ टू लूज वेट इन 30 डेज, मतलब 30 दिन में अपना वेट कैसे कम करें। नहीं, मुझे जज मत करो, मैंने भी इसे ट्राई किया था, लेकिन इट वॉज द सेम। 3 दिन तक डेडिकेशन और उसके बाद स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर वन। ओके, पर मुद्दा ये है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करता। एक वॉइस होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस, जो आपका वेट, हाइट और इन सब चीज़ों को लेके आपके लिए एक शेड्यूल बनाती है, कुछ एक्सरसाइजेस का या कुछ ट्रेनिंग का, और इसी के थ्रू हम सीखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। The next
20 seconds. High stepping. 3, 2, 1. ठीक इसी तरीके से हमारे खेल में भी प्लेयर्स के पुराने रिकॉर्ड्स, जैसे कि उनकी डाइट, उनके पुराने कोचेस की दी हुई एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस होती है जो उस प्लेयर को ट्रेन करती है और कोच करती है। इंटरेस्टिंग है, राइट? इसी कैटेगरी की एक सेकेंड एप्लीकेशन है जो है वियरेबल्स, यानी कि जैसे वॉचेस और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें। आजकल काफ़ी सारी ऐसी घड़ियाँ हमें अवेलेबल हैं जो हमारे स्टेप्स कितने हम दिन में ले रहे हैं और हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, इन सब को कैलकुलेट करती हैं। ठीक इसी तरीके से, या ऐसा कह सकते हैं कि इससे भी बेटर मॉडर्नाइज वर्जन है इस टेक्निक का, जो हमारे खेलों में काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं उसे यूज़ करते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं यूज़ हो सकती, बट आने वाले फ्यूचर में मशीन लर्निंग की हेल्प से ये परफॉर्मेंस डेटा हमारे प्लेयर्स का, और उनको रेकमेंडेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग के उनके गोल्स किस तरीके से हैं। यहाँ तक कि ये प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले फ्यूचर में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में इंजरीज और हेल्थ कंसर्न्स कैसे हो सकते हैं प्लेयर्स को। तो अब एक बार फिर से सब चीज़ों को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि मीडिया और फैन एक्सपीरियंस में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट्स या स्मार्ट असिस्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और हाइलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जर्नलिज्म में इसका यूज़ हो सकता है। और अभी हमने एक और चीज़ सीखी कि खेल से पहले हम या तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो अब बारी है तीसरी और आखिरी कैटेगरी की, यानी कि खेल के दौरान हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है वर्चुअल एम्पायर्स की। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी खेल में एक प्लेयर या फिर एक टीम जो है वो DRS को यूज़ कर सकता है, जो कि है डिसीजन रिव्यू सिस्टम को, जिससे एक फेयर गेम का पता चलता है कि हाँ, अगर कोई डिसीजन गलत हो रहा है तो हम उसको बदलवा सकते हैं, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सबसे पहले अंपायर को देखता है, फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जो कैमराज की प्लेसमेंट और उसके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं, और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। बट सवाल ये है, क्या इस टाइम को कम किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू? और इसका जवाब है हाँ, इसको किया जा सकता है। अब इमेजिन करो, हमारे अंपायर्स जो हैं वो एक स्पेशल टाइप के ग्लासेस पहने, जिससे उनको सब कुछ बहुत क्लियरली और प्रिसाइज दिख रहा है। पर रुको, ऐसा नहीं है कि ऐसी इस वजह से हमारी जो गेम्स हैं, हमारे खेल हैं, वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बन जाएंगे? और क्या हम ह्यूमंस इससे अडाप्ट कर पाएंगे? क्योंकि इन इम्परफेक्ट डिसीजंस की वजह से हमारे अंदर के सारे इमोशंस जगते हैं, राइट? चाहे हमारा एक्स्ट्रा गुस्सा हो या फिर बहुत ज़्यादा खुशी हो, और इस वजह से हमारी जो गेम है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है, राइट? सोचो सब कुछ कितना बोरिंग हो जाएगा जब सब कुछ परफेक्ट हमें एक ही बार में सब पता चल रहा है, राइट? अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम या फिर इम्परफेक्टनेस, जिससे हमें गेम देखने में और मज़ा आता है? कमेंट सेक्शन में भर दो बस ये चीज। अब आते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन में, जो है AI असिस्टेंट कोचेस। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कैसे मैच के दौरान एक कोच जो है हमारे प्लेयर को कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा होता है सारी स्ट्रैटेजीज के लिए, कि जैसे आपका ओपोनेंट जो अभी ये वाली टेक्निक यूज कर रहा है, इस टाइम पे तुम्हें डिफेंसिव खेलना चाहिए और ऐसे सब कुछ? क्या हो अगर हम एक्चुअली में उन्हें एक ऐप के थ्रू सारा फैक्चुअल डेटा दें, जैसे कि बेस्ट मैचअप और टेक्निक्स, जिससे कोच को और हेल्प मिल सके? और इस चीज़ का बेस्ट पार्ट ये है कि ये रियल टाइम में होगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं AI असिस्टेंट कोच, और इस टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है नेशनल फुटबॉल लीग के थ्रू। बेसिकली इसमें डीप लर्निंग टेक्निक का यूज़ होगा, जिससे गेम के इनसाइट्स पता लग सकेंगे, और ये मशीन्स जो हैं वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत फास्ट होंगी हमारी मिस्टेक्स और हमारे टैक्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे गेम को और जल्दी और अच्छे से खेला जा सके और जीता जा सके। तो बस यही थी हमारी बेसिक एप्लीकेशंस जहां AI का यूज़ किया जा सकता है खेल में। आपको क्या करना है, ये रहे आपके टास्क। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से खेलों में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तीसरा, आप सीरीज को सजेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए जो आप नॉर्मली वीडियोस देखते हो उनसे,
थोड़ी सी डिफरेंट। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्टे सेफ एंड टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।